बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, ये तो सबने बोला होगा, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ताकि तुम्हें 360 आउट ऑफ 360 मिल सके, तो ये चार स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर वन स्टेप की एनसीईआरटी जब भी पढ़ रहे हो उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी तुम्हें लगता है एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, लेक्चर लेने के दौरान तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज़ उसको खाली स्पेस जो मिलता है साइड में वहाँ पर नोट कर लो ताकि वो तुम्हारे नोट्स बन जाए, अलग से तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े बायो के लिए। सेकंड पॉइंट इज कि हाइलाइटर लेकर आ जाओ मार्केट से, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, एब्रीवेशन लगते हैं, कोई डेटा लगते हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए ताकि लास्ट मोमेंट पे जब रिवाइज करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर दिखेंगी तुम्हें हाईलाइट करी हुई। नंबर थ्री थिंग इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनसीईआरटी जब भी पढ़ रहे हो एग्जामिनर माइंडसेट से पढ़ो, जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो सोचकर देखो कि इसमें से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो एनसीईआरटी को अपना आंसर बैंक बनाओ और क्वेश्चन बैंक खुद उसके अंदर से क्रिएट करो कि कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं यहाँ से। नंबर फोर एंड लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज जो बच्चे बहुत मिस करते हैं वो है समरी, समरी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना।